नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मिक्सचर, और मिक्सचर में ये हम पहुंच चुके हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप है जब मिश्रण की समान मात्रा निकाली और डाली जाए, यानी जितनी मात्रा तुम मिक्सचर की निकाल रहे हो उतनी ही मात्रा डाल रहे हो। ठीक है, चलो देखो कैसे करते हैं इसको। बहुत ध्यान से समझा, पहले तो हमको बेसिक समझना है कैसे हम बेसिक सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले ध्यान दीजिए, बेसिक सॉल्व करते हैं इसको। किसी मर्तबान यानी बर्तन होता है, में दो द्रव ए तथा बी का अनुपात। एक बर्तन है जिसमें ए अनुपात बी भरा हुआ है। कह रहे हैं कि 4:1 में भरा हुआ है, यानी एक बर्तन है जिसमें ए और बी का रेशियो 4:1 है, यानी ए की मात्रा 4 है, बी की मात्रा 1 है। ठीक है। अब अच्छा एक चीज बताओ, जो एक दूधिया होता है, शुरुआत में जितना वो पानी मिला लेगा तो उसका मतलब हो जाएगा दूध और पानी का रेशियो जितना शुरुआत में रखेगा वही रेशियो में अगर वो कहीं पर भी दूध अपना देगा तो उसी रेशियो में पानी पहुंचेगा। जैसे हम कहते हैं कि अगर उसने 4:1 में यानी 4 दूध रखा है और 1 पानी मिलाया है, तो वो हर जगह वो दूध देगा तो उसमें क्या होगा, 4 तुम्हारा दूध पहुंचेगा और 1 पानी ही पहुंचेगा हर जगह। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये तो है नहीं कि कोई इसको प्रिय लग गया है तो उसको वो अच्छा दूध दे दे, क्योंकि दूध में पानी वो उसी रेशियो से मिला चुका है। जहां जहां ये दूध पहुंचेगा वहां वहां पर 4 दूध और 1 पानी ही होगा उसमें। ठीक है, तो यानी कि मात्रा, जो भी इससे मात्रा निकलेगी उसमें भी दूध और पानी का रेशियो वही रहेगा, जो मात्रा बचेगी उसमें दूध और पानी का रेशियो वही रहेगा। तो ध्यान दो यहां पर एक कि इसने क्या किया है, यहां से क्या किया है कि 10 लीटर मिश्रण निकाला है। तो 10 लीटर अगर मिश्रण इसने निकाला है, 10 लीटर यहां पर मिश्रण क्या किया है, माइनस कर दिया है, इससे 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया है, तो बचा जो पात्र है यहां पर उसमें भी रेशियो क्या होगा, 4:1 ही होगा। मैंने बताया है ये ए और बी का रेशियो है, इसमें जितनी भी क्वांटिटी है अगर उससे कुछ भी क्वांटिटी तुम फेंक दोगे, जो क्वांटिटी तुम्हारी बचेगी उसमें भी दूध और पानी का मात्रा उतना ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर 4:1 में ही तब भी बच गया दूध और पानी। ठीक है, लेकिन यहां की क्वांटिटी सेम नहीं है, यहां पे कुल मात्रा कुछ और होगी, यहां पर बची मात्रा कुछ और होगी। अब देखना है यहां पर क्या कह रहे हैं कि 10 लीटर द्रव बी डालने पर, अब इस पात्र में क्या किया गया है, 10 लीटर क्या डाल दिया गया है, 10 लीटर बी डाल दिया गया है। 10 लीटर क्या डाल दिया गया है, बी डाल दिया गया है। अच्छा, 10 लीटर जैसे ही बी डाल देंगे तो कह रहे हैं कि मिश्रण में यह अनुपात 2:3 हो जाता है। जहां 10 लीटर बी केवल डालेंगे तो यहां पर जो मिश्रण है वो कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है, 2:3, यानी ए और बी 2:3 हो जाता है। आप बताओ, 10 लीटर यहां पर मिश्रण डाल रहे हैं, 10 लीटर बी डाल रहे हैं, तो बी बढ़ना चाहिए। 10 लीटर अगर बी मिलाओगे तो बी ही बढ़ना चाहिए, ए तो डिस्टर्ब कर नहीं रहे, अगर ए डालते तो ए बढ़ता घटता, तो यहां पर ए सेम रहेगा क्योंकि हमने 10 लीटर इसमें बी ही डाला है, 10 लीटर बी की मात्रा डाली है, तो ये चीज सेम होनी चाहिए। तो ये चीज सेम नहीं है तो सेम हम करेंगे, तो सेम कर लो। यहां पर हम इधर गुणा कर देते हैं इस बॉक्स में किससे, 2 से, तो 2 × 2 कितना आ जाएगा, 4, और 2 × 3 कितना आ जाएगा, 6, यानी 4 और 6 हो गया। अब आप देख रहे हैं 4 और 4 दोनों तरफ क्या है, 4 और 4 दोनों तरफ सेम है, यानी 10 लीटर बी डालने पर जो बी था वो 1 से कितना हो गया, 6 हो गया है, बी 1 से 6 हो गया, कितना बड़ा है, 5 बड़ा है, और 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 10 है। अगर 5 को हम 10 कहते हैं तो 1 को क्या कहेंगे, 1 को हम 2 कहेंगे, 1 को हम क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। अगर 1 को 2 कहेंगे तो हम देखेंगे बाद में टोटल मात्रा कितनी है, तो कहेंगे 6 × 4 = 10 है, 6 × 4 = 10 है, और 10 × 2 = 10 कितनी है, 20 है, 10 × 2 कितनी है, 20 है। अब एक चीज समझो, यहां पर 20 आ गई मात्रा, यहां पर कुल मात्रा कितनी है, यहां पर कुल मात्रा हमको पता चल गई कि कुल मात्रा यहां पर 20 लीटर है, कितनी है, 20 लीटर है। अब आप बताओ 20 लीटर यहां मात्रा कब है, यहां की मात्रा सेम है कि नहीं, बस इतना ध्यान देना है, सेम है। क्यों, क्योंकि यहां से 10 लीटर अगर मिक्सचर निकाला है और 10 ही लीटर बी डाल देंगे तो जो क्वांटिटी यहां पर होगी वही क्वांटिटी यहां पर होगी, यानी 20 लीटर अगर यहां है तो शुरुआत में भी क्या होगा, शुरुआत में भी 20 लीटर होगा, शुरुआत में भी क्या होगा, 20 लीटर की ही मात्रा होगी। तो हम कहेंगे 20 लीटर है, कभी कभी शुरुआत में पूछ लेते हैं कि शुरुआत में ए की मात्रा कितनी थी, तो हम तब क्या करते, 4 × 5
पाँच बराबर क्या कर देते हैं, 20 कर देंगे, क्योंकि कुल मात्रा यहाँ पर पाँच है, यहाँ पर कितनी है 20 लीटर है, तो पाँच बराबर 20 लीटर की, तो एक बराबर कितनी हो जाएगी, 4 लीटर की हो जाएगी। और अगर एक बराबर 4 लीटर के है तो चार चौक 16 लीटर और 4 इक्के 4 लीटर। तो शुरुआत में 16 और 4 आ जाएगी। लेकिन पूछा क्या गया है, कह रहे वर्तमान में द्रव ए की मात्रा थी, तो वर्तमान में द्रव ए की मात्रा कितनी थी, तो 16 थी। ये तुम्हारा क्या है आंसर है, 16 लीटर। ठीक, तो चलिए अब ऐसा करते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, है ना। तो दूसरे तरीके से कैसे होगा, ये तो बेसिक तरीका हो गया कि आपने इसको बेसिक कर लिया है, अब इसको अगर दूसरे तरीके से चेक किया जाए तो इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो। इसको मैं पूरा ही छोटा कर देता हूं, कट रहा है क्या ये, देखो अब इसमें अगर हम एलिगेशन लगाते तो एलिगेशन कैसे करते, क्योंकि एलिगेशन तो आपको पता है। देखो ध्यान दो, यहां पर कह रहे किसी बर्तन के द्रवों में ए तथा बी, जो आपकी यहां पर टोटल मात्रा है वो कितनी है, 4:1 है, यानी कि हम ये कहेंगे ए इसमें कितना है, 4 है, बी कितना है, 1 है। अगर रेशियो से अलग अलग करके हम देखें कि ए कितना है, तो एक तो आप ये कहोगे सर जी अगर एक्स मान के अलग करोगे तो ए की मात्रा 4x है और बी की मात्रा कितनी है, 1x है। अगर एक्स ना लिया जाए तब भी हम अलग अलग बता सकते हैं, तब हम क्या कहेंगे, ए की कुल मात्रा, ए की मात्रा कितनी है, तो हम टोटल में चेक करते हैं कि टोटल मात्रा 4 1 5 है और 5 में ए कितना है, तो 4 है। यानी हम कह सकते हैं सीधा अगर ए अनुपात भी आपका 4:1 दिया गया है तो हम कह सकते हैं ए कितना है, तो 4:5 है। आपसे अगर कोई कह दे कि ए भैया आपको मैंने 4:5 दिया है, 4/5 दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि अगर ए 4/5 है तो 5 में 4 ए है और ए क्या होगा, ए कुछ और होगा 5 में। तो हम इसको ये क्या कर रहे हैं, ये तोड़कर आपको बता रहे हैं कि ऐसे आपको अलग करना है रेशियो को, ठीक है। तो यहाँ पर ए की मात्रा कितनी है, 4/5 है, अगर यहाँ पर बी की मात्रा पूछी जाती तो बी की मात्रा कितनी हो जाती, 1 होती, और किस में टोटल कितनी है, 4 1 5 है, यानी 5 में 1 क्या है, बी है। तो हमें ये पता चल गया 4/5 और 1/5 क्या है, 1/5 यहाँ पर बी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहे 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके बदले 10 लीटर द्रव बी मिलाया जाता है। अब बात अगर बी की हो रही है तो हम बी भी लेकर चलेंगे और ए भी लेकर चलेंगे, तो अच्छा पहले ए लेकर चलते हैं। हमने माना कि पहले मिक्सचर में ए की मात्रा कितनी थी, ए की मात्रा 4/5 थी, ए की मात्रा कितनी थी, 4/5 थी। अच्छा भैया अगर बी मिलाओगे उसमें तो ए तो उसमें होगा ही नहीं, तो ए कितना होगा, तो हम कहेंगे ए तो 0 होगा। जब बी प्योर बी डालोगे तो उसमें ए क्या होगा, ए की मात्रा बिल्कुल 0 होगी। तो हम कहेंगे ये जब मिलाने पर तुम्हारा रेशियो क्या बन जाता है, 2:3 बन जाता है, यानी इसमें अगर ए पता किया जाए तो हम कहेंगे ए 2 है और टोटल कितना है, 3 2 5, 5 में कितना है, 2 है, यानी हमारा यहाँ पर 2 में कितना बन जाएगा, 5। यहाँ पर देखा 0 है तो हमने क्या करना है, हम 5 5 ऐसी आसानी से हटा देंगे। अब 4 में 2 जैसे ही घटा तो कितना आ गया बच्चे, 2 आ गया, और 2 में 0 गया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से आपका एक रेशियो क्या बन गया, रेशियो बन गया है 1:1,
कितना बन जाएगा, 1:1। यानी यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि यहाँ पर कितनी मात्रा निकाली गई है, तो भैया ये वाली मात्रा जितनी डाली थी, ये वाली मात्रा डाली जा रही थी, ये क्या डाला जा रहा था, बी डाला जा रहा था, तभी तो ए उसमें जीरो था। यानी बी जितना डाला जा रहा है उतना ही निकाला जा रहा है। क्यों? 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके बदले में 10 लीटर द्रव क्या कर रहे हैं, बी, यानी जितना तुमने डाला है उतना ही तो निकाला है। ये तुमने एक डाला है तो एक तुमने निकाला भी है, तो ये अगर रेशियो से अलग लिखें तो हम कहेंगे एक कितने में से है, एक एक दो में से है, यानी 1/2 तुमने क्या किया है, निकाला भी है। अगर 1/2 यहां पर निकाला है, यहां पर कितना निकाला है, 10 निकाला है, यानी 1/2 की वैल्यू बच्चे 10 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 × 20, यानी कुल मात्रा तुम्हारी कितनी है, 20 है। कुल मात्रा कितनी है, 20 है। अब हम ये जान गए कुल मात्रा, अगर एक की वैल्यू 20 है तो ये कुल मात्रा थी 20 × 20, कुल मात्रा तुम्हारी कितनी थी, 20 थी। यानी शुरुआत में जो तुम्हारे पास मिक्सचर था वो टोटल 20 था, और यहाँ पर टोटल कितना है, 4 × 5 है, यहाँ पर टोटल कितना है, 5 है, और 5 की वैल्यू अगर हम क्या कर दें, 20 कर दें, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 4। और अगर एक की वैल्यू 4 है तो हमको तो ए में बताना है कि ए बर्तन में ए की मात्रा कितनी थी, तो एक की वैल्यू अगर 4 है तो 4 का गुणा किससे करेंगे, 4 का गुणा ए से कर देंगे, कि 4 × 16, आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, कि शुरुआत में बर्तन में ए की मात्रा कितनी थी, तो 16 थी। क्लियर है? तो इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, और ऐसे ही करते हैं एक बार और, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर बी की मात्रा ले लेते हैं, तब इसको सॉल्व करते हैं, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखो ये सारी चीजें आपको समझनी है, ध्यान दो। किसी मर्दबान में दो द्रव ए तथा बी 4:1 में हैं, ए अनुपात बी किस में है, 4:1 में है, 4:1 में है। यानी अगर बी की बात की जाए तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4, 4 × 5। अब हम बी लेकर चल रहे हैं, बी लेकर चल रहे हैं, और जो डाला जा रहा है वो भी बी ही है, ठीक है। बी कितना है, 1/5 है, 1/5 कितना है, 5 है। और जब बी डालोगे तो 1/बी में बी क्या होगा, फुल होगा, और भिन्न में फुल वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी जो डाला है वो पूरा बी डाला है हमने, बी में फुल वैल्यू, फ्रैक्शन में फुल वैल्यू 1 होती है, और परसेंट में फुल वैल्यू 100% होती है। ये 1/5 है तो फुल क्या होगा, 1 होगा पूरा। तो हमने बी डाला, बी फुल 1 है ना, तो बच्चा इसमें बी कितना हो जाता है, बी इसमें देखना, ये ए की मात्रा है, तो बी की मात्रा क्या होगी, 3 है बी की मात्रा, लेकिन 3 किस में, 3×2 = 5 में, 3/5 में, तो यहाँ 3/5 लिख देंगे, ठीक है। तो 5 5 इधर है, तो हम क्या करेंगे, भिन्न भिन्न में तुम्हारा क्या है, 5 नीचे, तो सब में 5 से गुणा कर दो, सब में 5 से गुणा कर दो, ये चीज हमने शुरुआत में ही आपको सिखाई है, 5 से 5 हटा दो, 5 से 5 हटा दो, तो ये कितना आ गया, 1, ये 5 × 1 कितना आ गया, 5, ये कितना आ गया यहाँ पर, 3, 5 में 3 हटाया तो 2, और 3 में 1 जब तिरछा घटाना है, जो जिसमें घटे, 3 में घटा दिया तो 2 2 × 2, यानी 2 × 2 कितना हो गया, 2 × 2 यानी 1/1, 1/1 का मतलब क्या है, 1/1 का मतलब क्या है, 1/2 मात्रा, 1/2 मात्रा डाली गई है, और जितनी डाली गई है उतनी ही निकाली गई है, यानी 1/2 निकाली भी गई है। 1/2 की वैल्यू कितनी है, 10 है, 1/2 की वैल्यू अगर 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 10 × 20, और 20 एक ही निकालना, 20 का गुणा 1 से कर दोगे, क्योंकि ये कुल मात्रा थी, बी क्या थी पहले, कुल मात्रा थी, तो 20 का गुणा जैसे ही हम 1 से करेंगे तो 20 × 1 क्या आ जाएगी, 20, 20 × 1 क्या आ जाएगी, 20। यानी शुरुआत में बर्तन में 20 लीटर द्रव था, जिसमें ए और बी का अनुपात 4:1 था। अगर शुरुआत में 20 लीटर था और इसका 4:1 के रेशियो में था, तो हम कहेंगे टोटल यहाँ पर कितना है, तो 4 × 5 था, यानी 5 बराबर किसके, 20 के, और 5 बराबर अगर 20 के, तो 1 = 5 × 20 के, 1 = 4 के, और 4 × 4 कितना आ जाएगा, 16, कितना जाएगा, 4 × 4 = 16। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है तो फिर से एक्सप्लेनेशन मिलेगा अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल, किसी मर्तबान में दो द्रवों में ए तथा बी, फिर से देखो ए अनुपात बी, और इसको बेसिक से करोगे तो जल्दी होगा। ये चीज़ आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो पा रहा है सर, हमको बेसिक से सीखना है, तो बेसिक वाला ज़्यादा सही लगता है हमको भी, ठीक है, आपको भी मैं वही बता देता हूँ, लेकिन पहले उस एक एलिगेशन मेथड हम फिर से बताएंगे आपको, ध्यान दो लाल मेरे।
ए और बी कितना है, 3:1 है, 3:1 है, हम यहाँ पर ए ले लेते हैं, तो ए कितना है, तो ए कहेंगे सर जी 3, और टोटल कितना है, 3:1 में है, यानी ए में हम मिला क्या रहे हैं, बी मिला रहे हैं, शुरुआत में ए की मात्रा में हम बी मिला रहे हैं, तो ए कितना है, 3/4 है। अगर 3/4 है, भैया एक चीज़ बताओ, आपका ये मटेरियल हमने माना पूरा का पूरा ये ए है, और ए में अगर तुम बी मिलाओगे तो बी, तो बी में ए तो बिल्कुल होगा ही नहीं। एक द्रव है जिसमें ए 3/4 है, और एक द्रव ऐसा मिला रहे हो जिसमें बी ही बी मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, 20 लीटर केवल बी डालने पर, और जब 20 लीटर बी डालेंगे तो बी ही उसमें है, ए की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो बी की मात्रा कितनी होगी, 0 होगी। और जब एक मिश्रण जिसमें ए की मात्रा इतनी है और एक मिश्रण जिसमें ए की मात्रा 0 है, दोनों को जब मिलाया है तब जान तो 1:2 का मिक्सचर तैयार हो जाता है, यानी 1:2 का मिक्सचर तैयार होता है। तो इसमें ए कितना है, तो हम कहेंगे एक, ए एक है, इसमें कितना है, एक है, और टोटल कितना है, 3, यानी 3 में एक मिक्सचर ए बचेगा, यानी 1/3 कितना है, 3 है। तो आप ये देखो कि 4×3 कैल्शियम 12 होता है, तो सबसे 12 से गुणा कर दो, 12 से गुणा कर दो, क्योंकि भिन्न हमको हटाना है, 3 से इसको काटा 3×4 12, और 4 से इसको काटा 4×3 12, 3×3 को कितना आ गया, 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12×0 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4, यानी 9 में 4 गया तो बचेगा 5 बच्चे, और 0 4 में 0 गया कितना बचेगा, 4, यानी 4:5, तो टोटल यहाँ पर मात्रा जो आएगी, वो जो डाली गई मात्रा है वो 5/5 टोटल 9, 5/9, यानी 9 में 5 डाली गई है, 9 में 5 जो डाली गई है, और क्वेश्चन में कितनी डाली जा रही है, 20, यानी हम कहेंगे 5/9 बराबर कितना है, 20 है, और 5×20 यानी 4×9=36, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी, यानी कुल मात्रा कितनी थी, 36 थी, कुल मात्रा कितनी थी, 36 थी। और कह रहे मर्तबान में द्रव ए की मात्रा कितनी है, तो मर्तबान में द्रव ए की मात्रा पूछी गई है, तो यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी आ गई है, 36, यानी एक हमने क्या माना था, फुल टोटल एक होता है ना, तो एक की मात्रा कितनी है, 36 है, और अगर एक की मात्रा बच्चे 36 है, तो हम कहेंगे 3×1 कितना, 3×1 यहाँ पर कितना है, 4, कुल मात्रा यहाँ पर 4 है, और 4 बराबर किसके है, 36 के है, अगर 4 बराबर 36 के है, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 4×9=36, हमसे 3 की वैल्यू पूछा है, 9×3 कितना हो जाएगा, 27। तो शुरुआत में ए बर्तन में 27 लीटर द्रव था, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसको हम अब उस तरीके से ही करते हैं, ठीक है, वो वाला तरीका ज़्यादा ध्यान देना, अब ये वाला तरीका बड़ा आसान है। देखो, आपको कुछ नहीं करना होता है, कि अब देखो बड़ा ध्यान से समझो, ए और बी का अनुपात कितना है, 3:1 है, 3:1 है, जब इससे 10 लीटर तुम मिक्सचर निकालोगे तब भी रेशियो कितना रहेगा, 3:1 ही रहेगा। जब इसमें 10 लीटर, लेकिन जब मिक्सचर डालोगे 10 लीटर, तब कह रहे हैं जो रेशियो, जब 10 लीटर मिक्सचर नहीं डालना है, 10 लीटर डाल के आ रहे हैं, तो 10 लीटर डाल रहे हैं बी, 10 लीटर जब बी डाल रहे हैं, तो ए और बी का रेशियो बदल जाता है, ए और बी का रेशियो बदल जाता है, वो रेशियो क्या हो जाता है, तो 1:2 हो जाता है, कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। अच्छा, जब इसमें बी डालोगे तो बी डिस्टर्ब होगा, ए तो डिस्टर्ब होगा नहीं ए और बी में, भैया जब इसमें बी मिलाओगे तो बी डिस्टर्ब होना चाहिए, ए तो जितना पहले था ए उतना बाद में भी रहेगा, तो यहाँ पर ए अलग अलग है, तो ए को हम सेम कर लेंगे, ए को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, यानी इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3×1=3, 3×2 कितना, 6, यहाँ से 1 और 6 से, यहाँ पर जब बी डाल रहे 10 लीटर, तो 1 से 6 हो जा रहा है बी, क्योंकि ए तो डिस्टर्ब नहीं है, ए जितना 3 था 3 अभी भी है ए, लेकिन बी बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 5, और क्वेश्चन में कितना बढ़ा रहे थे, क्वेश्चन में 20, यहाँ पर 10 नहीं है बच्चे, 20 है, 20, 20 लीटर निकाल रहे हैं, 20 लीटर डाल रहे हैं, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 20, और अगर 5 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, अगर 1 की वैल्यू 4 आ गई, तो टोटल भैया मात्रा यहाँ पर 6×3 कितनी है, 6×3 9 है, और 9 अगर टोटल है, तो 1 की वैल्यू 4 है, तो 9×4 कितनी, कुल मात्रा 36 बचेगी बाद में। अच्छा, बाद में 36 बचेगी, तो हम कह रहे हैं यहाँ पर जितनी मात्रा थी वहाँ से निकाला और फिर डाल दिया, जितना निकाला उतना ही फिर डाल दिया, जो बाद में जो बची हुई मात्रा होगी वो शुरुआत में जितनी मात्रा होगी उसके बराबर होगी,
ठीक है, यानी 36 अगर बाद में टोटल क्वांटिटी है तो 36 पहले भी टोटल क्वांटिटी होगी, तो 3 1 4 3 1 4 पहले रेशियो था ना, तो 4 बराबर किसके, 36 के, अगर 4 बराबर 36 के तो 1 बराबर किसके, 9 के, अगर 1 बराबर 9 के है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 9 3 कितना आ जाएगा, 27, जिसमें ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी, आपको इतना करना है, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। इसको और तरीकों से समझेंगे, चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। टाइप टू है ये, किसी बर्तन में अम्ल और पानी का एक मिश्रण है, इस मिश्रण में 36% अम्ल है, कितना बच्चे, 36% अम्ल है। देखो इस मिश्रण में अगर 36% अम्ल है, बर्तन में 4 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें 4 लीटर पानी मिलाया गया है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, किसी बर्तन में अम्ल और पानी का एक मिश्रण है, जिस इस मिश्रण में 36% क्या है, अम्ल है, तो अगर 36% अम्ल होगा, ठीक है, और अगर इसमें एलिगेशन लगाते तो बड़ा आसान हो जाएगा, 36% क्या है, अम्ल है, और इसमें मिलाया क्या जा रहा है, कह रहे बर्तन में 4 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें 4 लीटर क्या मिलाया जा रहा है, 4 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, यानी कि एक अम्ल ये मिलाया जा रहा है, एक अम्ल ये मिलाया जा रहा है, ठीक है, ये अम्ल में हमको ये पता चल गया कि इसमें 36% क्या है, अम्ल है, और एक अम्ल, एक और मिश्रण मिलाया जा रहा है जिसमें केवल केवल पानी है, तो हम कहेंगे उसमें अम्ल कितना होगा, तो आप कहोगे सर जी 0% होगा, जो दूसरा मात्रा मिलाई जा रही है, क्योंकि पानी मिलाया जा रहा है, तो पानी अगर इसमें मिलाया जाएगा तो पानी में अम्ल जो होगा, पानी में अम्ल कितना होगा, पानी में अम्ल होता है 0%, ठीक है। तो भैया 0% को भी जैसे ही मिलाया तो कह रहे हैं यदि अब इस नए मिश्रण में अम्ल 30% हो जाता है तो हम लिखेंगे इसमें 30% अम्ल हो गया है। इसमें हम हर तरीके से आपको बताएंगे, देखो अभी जैसे हम रेशियो वाला कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो 36 में 30 गया कितना आ जाएगा, 6, और 30 में 0 गया कितना आ गया, 30, यानी 6 1 6 6 5 30, यानी यहाँ पर 5 1 6 टोटल मात्रा 6 है, तो हम कहेंगे 6 में 1 1/6 है ना, 1/6 हो रही है, और 1/6 की वैल्यू यहाँ पर निकाला कितना जा रहा है, 4 निकाला जा रहा है, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 4 24, और 1 क्या होता है, अपने आप में फुल वैल्यू होती है, यानी कुल मात्रा कितनी थी, 24 थी। अगर कुल मात्रा 24 तो कह रहे हैं तो बर्तन में मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो बर्तन में मिश्रण की मात्रा कितनी थी, तो 24 लीटर, क्या है बच्चे, 24 लीटर थी, बस यही आ गया, कुल मात्रा पूछा था तो 24 लीटर आ गया। आप इसको कैसे कैसे कर सकते हो, जैसे अभी हमने बेसिक वाला तरीका बताया उसको भी लगाते हैं इसमें, ठीक है। एक तो ये तरीका है, आप इसको नोट करिए, ठीक है, इसको नोट करिए, फिर इसके बाद हम आपको बेसिक तरीका बताते हैं, वो तरीका क्या होगा। देखो 36% है तो हम कहेंगे 100% में अगर 36% क्या होगा, 36% अम्ल होगा, तो 64% क्या होगा, 64 पानी होगा, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 9 36 और 16 6 64, 9 और 16 है, ठीक है, 9 एसिड है। तो हम इसको जान, तो जैसे अभी बता रहे थे ना वो वाला तरीका लगा सकते हैं कि 9 16 था, इसमें हमने क्या किया है, 4 लीटर मिक्सचर निकाला है, और जैसे ही इससे 4 लीटर मिक्सचर निकालेंगे तो क्वांटिटी कम होगी, यहाँ पे जो मात्रा होगी यहाँ पे मात्रा कम हो जाएगी, 4 लीटर क्या हो जाएगी, कम ही हो जाएगी। अगर यहाँ पर कुल मात्रा x है तो यहाँ पर कुल मात्रा x-4 हो जाएगी, लेकिन जो रेशियो होगा वो 4 लीटर निकालने के बाद भी कितना होगा बच्चे, 9:16 ही होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं जब इसमें 4 लीटर, इधर 4 लीटर मिक्सचर निकालना है, मिश्रण निकालना है, मिश्रण के साथ आपका क्या निकलेगा, पानी और एसिड दोनों निकलेगा, लेकिन केवल इसमें डाल क्या रहे हैं, डाल रहे हैं केवल पानी, इसमें डाल केवल क्या रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, और जैसे ही बच्चे पानी डालेंगे तो पानी बढ़ना चाहिए, रेशियो एक बन जाता है, वो क्या कह रहे हैं, तब 30% क्या हो जाता है, अम्ल हो जाता है, यानी अगर 30% अम्ल होगा तो 30 तो पानी कितना होगा, 70 होगा, तो हम इसको काट देंगे, यानी रेशियो तब 3 और 7 का बन जाता है, कितने का बन जाता है, 3 और 7 का। आप एक चीज बताओ यहां पर कि यहां पर पानी अगर डाल रहे हैं तो पानी ये है ना, पानी ये है, तो पानी डिस्टर्ब होना चाहिए, यहां पर ये चीज बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए,
तो 9 है तो इधर 9 बनाओ, तो हम क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, 3 तरफ को 9 और 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21। ठीक है, अब हम देख रहे हैं पानी 9 से 9 ही है, लेकिन सॉरी दूध 9 एसिड है ये ना, एसिड 9 से 9 ही है, लेकिन जब पानी डालना है तो पानी 16 से बढ़कर कितना हो गया 21 हो गया। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर 4 लीटर ही पानी डाल रहे थे, कितना डाल रहे थे 4 लीटर ही पानी डाल रहे थे। अब एक चीज़ और ध्यान देना, अगर 4 लीटर पानी डालने तो x माइनस 4 हुआ था यहाँ पर क्वांटिटी, और 4 लीटर जहाँ डाल देंगे फिर यहाँ पे जो क्वांटिटी होगी वो x ही लीटर हो जाएगी, यानी शुरुआत में जितनी क्वांटिटी थी बाद में जितनी क्वांटिटी थी उसके बराबर थी। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर समझो, 16 से अगर 21 हो रहा है पानी तो कितना पानी बढ़ रहा है, तो आप कहोगे 5 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 16 से 21 हो रहा है, 16 से 21 हो रहा है तो 5 पानी बढ़ रहा है, और यहाँ पर पानी कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है, यानी 5 की वैल्यू अगर 4 है तो हाँ, तो देखो 5 बराबर 4 के हुआ तो 1 बराबर किसके हो जाएगा बच्चे 4 बटे 5 के हो जाएगा, 1 बराबर 4 बटे 5 के हो गया तो टोटल कितना है, तो 21 9 30 है टोटल, तो 30 की वैल्यू बता करनी है, क्योंकि अब ये वाला रेशियो खराब हो गया था, 9 21 9 कितना है 30 है, तो इंटू कर देंगे बच्चे कितना 30, यहाँ पर 5 छक्का 30 और 6 चौक 24, यानी कुल मात्रा 24 लीटर इसमें है, कुल मात्रा कितनी है 24, यानी जो मात्रा इधर थी वो मात्रा इधर भी है, ये कह रहे हैं शुरुआत में कितनी थी, तो शुरुआत में भी x थी, यानी शुरुआत में भी कितनी थी 24 लीटर थी, तो ये आपका आंसर आ गया 24 लीटर, इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, आप एलिगेशन भी लगा सकते हो लेकिन सबसे अच्छा मेथड यही है, है ना, एलिगेशन तो परसेंटेज वाला हमने बता ही दिया आपको। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन बच्चे देखो जरा ध्यान से, किसी बर्तन में अम्ल और पानी का एक मिश्रण है, तो यहाँ पर देखो वही वाला लगा लेते हैं, 60% पानी है, तो 60% क्या है पानी है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं 6 लीटर पानी ही मिला दो, अगर किसी मिश्रण में एक मिश्रण है जिसमें 60% हमने पानी लिया है, एक मिश्रण हम ये मिश्रण मिला रहे हैं, ये मिश्रण मिला रहे हैं, मिश्रण एक मिला रहे हैं उसमें पानी कितना है 60%, एक मिश्रण और दे रहे हैं लेकिन जिसमें केवल पानी ही पानी मिला रहे हैं, तो मिश्रण में केवल पानी ही पानी है तो हम कहेंगे पानी उसमें कितना, अगर पानी मिलाएंगे तो पानी में पानी 100% होता है, पानी में पानी क्या होता है 100% होता है, 60% 100%, और कह रहे हैं अब इस नए मिश्रण में 70% हो जाता है, क्या पानी हो जाता है, तो 70% कर दो, देखो 100 में 70 घटाया तो कितना आ गया 30 अनुपात, 70 में 60 घटाया तो कितना आ जाएगा 10, काट दिया कितना आ गया 3:1, और 3:1 का मतलब है यहाँ पर जो चीज़ मिला रहे हैं, मिला क्या रहे हैं एक मिला रहे हैं ना, तो एक की मात्रा रेशियो से अलग करो तो 1/3 = 4, और जितना मिला रहे हैं उतना ही निकाल रहे हैं, निकाल कितना रहे 6 लीटर निकालना है, 1/1/4 की वैल्यू 6, तो 6 × 4 कितना आ जाएगा 24, यानी एक की वैल्यू एक फुल होता है तो 24 आ गया, तो बर्तन में मिश्रण की मात्रा ज्ञात करें 24 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन सबसे आसान होंगे, है ना, और आपको तो हमने बताया है वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, इसको एक बार हम और बता देते हैं, क्या बता देते हैं, वैसे ही लगा के बता देते एक बार, देखो अब बड़ा ध्यान से समझना हर चीज को, यहाँ पर हम तुमको 3-4 चीजें और सिखाएंगे क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट ही सीखना होता, हो क्या रहा है वो चीज ज्यादा जरूरी है, तो एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से, है ना, फिर से देखो ध्यान से, हर एक चीज अब सीखेंगे इसमें, है ना, इसी सवाल पे पूरा सीखेंगे, किसी बर्तन में अम्ल और पानी, अम्ल और पानी, अम्ल और पानी का क्या है मिश्रण है, इस मिश्रण में 60% पानी है, अच्छा 60% अगर पानी होगा तो आप कहोगे सर जी 40% क्या होगा अम्ल होगा, इसको काटेंगे तो एक रेशियो आ गया, वो रेशियो कितना आ गया, हम 2 × 4 = 2 × 3 = 6, 2:3 आ गया, लेकिन अगर अम्ल अम्ल हम लेकर चलें, क्या लेकर चलें अम्ल और अम्ल लेकर चलें, तो अम्ल और अम्ल अगर लेकर चलते हैं तो हम कहेंगे इसमें अम्ल कितना है, तो 2/3 = 5 है, ये अम्ल कितना है 2/5 है, अम्ल कितना है 2/5 है, एक बार परसेंट में कर लिया, भिन्न में कर रहे हैं, ये तुम्हारा क्या है अम्ल है, एक मिश्रण है उसमें अम्ल इतना है, अब जो पानी मिलाया जाएगा तो पानी में अम्ल कितना होगा 0 होगा, पानी मिलाया जा रहा है इसमें, पानी मिलाया जा रहा है तो पानी में अम्ल कितना होगा 0 होगा, तो 0 होगा तो बच कितना रहे 70% पानी होता है, अगर 70% पानी होगा तो आप कहोगे कि 30% क्या होगा, 30% क्या होगा एसिड होगा, तो 0 से 0 काट दिया, 7 × 3 = 7 कितना हो जाएगा, हाँ 3 = 7 हो जाएगा, 3/10
तो 3 7 3 कितना है 10, 3/10 तुम्हारा क्या हो जाएगा 3/10। अब बच्चे क्या करना है आपको, 10 और 50 5 का एलसीएम लेंगे, कितना रहा 10 ही आ रहा है, तो 10 से गुणा मार दो सब में, क्योंकि हमको भिन्न में ये वैल्यू लिखी है ना, इसको भिन्न में से हटाना है। 10 10 कट गया, 5 दूना 10, 2 दूना कितना आ गया 4 आ गया, यहाँ पर 10 0 0 आ गया, यहाँ पर कितना आया 3, और 4 में 3 गया 1, और यहाँ पर 3 में 0 गया कितना आया 3, और यहाँ पर अगर हम कहें कि जो पानी मिलाया जा रहा है तो पानी कितना मिलाया जा रहा है, तो पानी 1 मिलाया जा रहा है, कितने में से 3 1 4 में से, 4 में से पानी 1 मिलाया जा रहा है, यानी 1/4 मिलाया जा रहा है, क्वेश्चन में कितना मिलाया जा रहा है 6, तो टोटल वैल्यू 1 थी, तो 4 6 कितनी हो गई 24, तो कुल मात्रा कितनी थी 24 थी। एक तो ये तरीका है, ठीक है, इसी तरीके को अगर हम और फिर से किया जाए, अब यहाँ पर पानी पानी लेकर चले तो पानी पानी से भी आ जाएगा। देखो क्या क्या करते हैं, ये चीज़ इसलिए हम बार बार ये सब कुछ बता रहे हैं क्योंकि आपको सब चीज़ें पता चल जाए कि कान ऐसे पकड़ो चाहे कान वैसे पकड़ो, होना वही है। देखो 3 लेकर चल रहे हैं पानी, यानी पानी इसमें कितना है, पानी कितना है, तो पानी हम देखेंगे तो पानी सर जी 3 है, लेकिन कितने में थे 3 2 5 में से, 3/5। तो अब यहाँ पर हम पानी लेकर चल रहे हैं, यहाँ ये पानी लेकर चल रहे हैं, तो पानी कितना था 3/5, और जब पानी ही मिलाएंगे तो पानी तो वह फुल होगा 1, है ना, अभी 0 था, अभी पानी ले लिया, इधर भी हमने पानी ले लिया है, तो यहाँ पर पानी कितना है, तो पानी है कितना 7, तो 7/10 हो जाएगा पानी, ठीक है, तो 7/10 हो गया, ऊपर 10 का गुणा, इधर भी 10 का गुणा, इधर भी 10 का गुणा, 5 2 10 3 2 कितना आ जाएगा 6 10, 10 से 10 कटा कितना आ गया 7, यहाँ पर कटा कितना है 1, 10 में 7 गया कितना है 3 1, आ गया ना 3 1, यानी 1/ कितना 1/3 1 4, 1/4 की वैल्यू कितनी 6, 4 6 24, यानी 1 की वैल्यू 24, और फुल मात्रा कुल मात्रा टोटल मात्रा कितनी थी 24 थी। एक तो ये तरीका अजमा सकते हैं हम लोग, और आपको बेसिक तरीका वो बताया है, तो बेसिक तरीका वो अजमा लो कैसे, कि अगर 60% पानी है, देखो 60% पानी है तो वो वाला तरीका सबसे अच्छा है जो बेसिक तरीका है, 60% पानी है तो आप कहोगे 60 तो 40% क्या होगा, 40% पानी होगा, सॉरी 60% पानी है तो 40 अम्ल होगा, तो यानी इसको अगर सॉल्व करेंगे 2 3 2 3 में 2 क्या है एसिड है और ये क्या है वाटर है, और कह रहे हैं कि इससे 6 लीटर क्या निकाल लो, 6 लीटर मिक्सचर निकालो, 6 लीटर क्या निकालो मिश्रण निकालो, और 6 लीटर जहाँ मिश्रण निकालेंगे बच्चे तो रेशियो तो वही रहेगा, रेशियो में तो कोई फर्क नहीं रहेगा, यहाँ पर जो मात्रा x थी बस वो मात्रा कम हो जाएगी x माइनस 6, लेकिन रेशियो वही रहेगा 2:3 2:3 ही रहेगा। अब क्या कह रहे हैं इसमें इन्होंने क्या कर दिया, इसमें इन्होंने क्या कर दिया 6 लीटर क्या डाला, तो 6 लीटर केवल क्या कर दिया 6 लीटर पानी डाला है। अब 6 लीटर अगर पानी डालेंगे तो रेशियो बदलेगा, क्यों, क्योंकि 6 लीटर पानी ही मिला रहे हैं, है ना, तो पानी मिलाएंगे तो 6 लीटर अगर, तो मात्रा x माइनस 6 प्लस 6 तो कितनी हो जाएगी, जैसे ही इसमें प्लस 6 तुम मिलाओगे तो 6 से 6 कट जाएगा, मात्रा x हो गई, यानी यहाँ की जो मात्रा है यहाँ की मात्रा है, दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही पानी डाला तो पानी बढ़ना चाहिए, तो रेशियो 70 हो जाता है, यानी 70 का मतलब क्या है 7 पानी और 3 क्या है एसिड हो जाता है, तो भैया यहाँ से 2 और यहाँ 3 है तो हम क्या करेंगे, इस मात्रा को बराबर करेंगे, हम बराबर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्योंकि तुमने पानी को डिस्टर्ब नहीं, तुमने एसिड को डिस्टर्ब नहीं किया, पानी मिलाया तो पानी डिस्टर्ब होगा, तो इधर आप 2 से गुणा कर दो और इधर आप किससे गुणा कर दो 3 से, 3 से इधर गुणा कर दो और 2 से इधर कर दो, 3 2 6 3 3 9 2 3 6 2 7 कितना आ गया 14। देखो वो एसिड एसिड सेम हो गया ना, पानी बढ़ा है 9 से 14 बढ़ा है, कितना बढ़ा है इधर 9 6 9 5 5 बढ़ा है, यानी 5 की वैल्यू यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 6 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/5 हो जाएगी, कुल मात्रा यहाँ पर कितनी है 6 14 कितनी है 20 है, 20 है, 20 से डिवाइड कर दो 5 6 20 और 6 × 4 कितना आ जाएगा 6 6 24 लीटर, कुल मात्रा कितनी थी 24 थी, यानी इधर जितनी 24 है तो इधर भी क्या होगी 24 ही होगी, और इधर भी क्या होगी इधर भी 24 ही होगी। देखो अच्छे सवाल हैं, इनको थोड़ा सा जब तक आप सोचेंगे नहीं अच्छे से तब तक नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम क्या करते हैं इतना ही रखते हैं, तो कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।